सबसे पहले राइस ब्रैन ऑयल। अब ये राइस ब्रैन ऑयल होता क्या है? राइस मीन सभी आप लोग समझते हैं धान होता है, पैडी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और ब्रैन ऑयल। ब्रैन ऑयल क्या होता है? तो राइस जो होता है वो कोटेड होता है एप्पा एंड पेलिया के द्वारा, उसका जो कवर होता है ऐसे, और उसको जब हटाते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर होती है, ओके, परत होता है जिसे कहते हैं हम ब्रैन, और इसीलिए इसका ब्राउन राइस भी कभी कभी कहते हैं। तो ये जो ब्राउन है वो अप्रोक्सीमेटली 7 to 17% तक ये राइस ब्रैन ऑयल की ऊपरी परत को कवर करता है। इसी को हम लोग यूज करके और राइस ब्रैन ऑयल बनाते हैं। ये तो हुई राइस ब्रैन ऑयल की कहानी। अब मार्केट में जो आती है वो दो तरह की ऑयल आती है, तीन तरह की कच्ची घानी आती है, राइस ब्रैन ऑयल आता है, रिफाइंड ऑयल होता है, फिजिकली रिफाइंड ऑयल होता है। तो अभी हम जो ब्रैन ऑयल की बात कर रहे हैं, फिजिकली रिफाइंड एंड रिफाइंड, ये शब्द भी आप लोगों के दिमाग को झकझोरता होगा। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिफाइंड ऑयल एंड यू नो फिजिकली रिफाइंड ऑयल? तो जो डीएक्सएन की ब्रैन ऑयल है वो क्या है? फिजिकली रिफाइंड ऑयल। क्या है? फिजिकली रिफाइंड ऑयल। तो फिजिकली रिफाइंड ऑयल क्या होता है और नॉर्मल रिफाइंड ऑयल क्या होता है? तो फिजिकली रिफाइंड ऑयल जो होते हैं उसके अंदर में जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो अच्छी इंग्रेडिएंट्स होती है वो बच जाता है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये होगा कि ये जब एक्सट्रैक्ट होता होगा राइस ब्रैन ऑयल, तो इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, जो न्यूट्रासिटिकल्स है इसके अंदर में, ये तो बर्बाद हो जाता होगा हीटिंग के बाद। नो, देर आर टू प्रोसेस, यू नो, एक होता है हीटिंग मेथड, एक होता है फ्रीजिंग मेथड। ओके, तो जो फिजिकली राइस ब्रैन ऑयल आज डिएक्सएन के पास आप सभी तक लेकर के हम लोग आए हैं, डीएमआई मैनेजमेंट आप लोगों के लिए लाई है, ये क्या है? ये आपको स्लो फ्रीजिंग मेथड के माध्यम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे कि इसके अंदर में मौजूद जितने भी इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रोसिटिकल्स जो आपको इम्पोर्टेंट अवयव होते हैं, ये सारे के सारे इंटैक्ट रहते हैं राइस ब्रैन ऑयल के साथ। तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा ये रिफाइंड ऑयल के बारे में जो मार्केट में मिलती है। आप लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होगा ये फिजिकली रिफाइंड रिफाइंड, तो मैं अभी आपको बताया फिजिकली रिफाइंड ऑयल क्या होता है। ये इसके अंदर में जो फ्री फैटी एसिड्स होती है जो हमारे लिए हानिकारक होता है, फ्री फैटी एसिड्स, उसको रिमूव करता है आपको फ्रीजिंग मेथड के माध्यम से डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान। और जो केमिकली रिफाइंड, जो रिफाइंड ऑयल मार्केट से हम लोग लेते हैं, उसमें केमिकल्स युक्त होता है और उसकी जो फ्री फैटी एसिड्स रिमूव किया जाता है उसका, उसमें केमिकल्स को मिला करके किया जाता है और हीटिंग मेथड्स के द्वारा होता है, दैट इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। तो इसीलिए जो रिफाइंड ऑयल है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिजिकली रिफाइंड ऑयल जो है वो हमारे लिए बेहतरीन है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। और ये क्यों बेहतरीन है, क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम वन टू वन करके चलेंगे और आपको बताएंगे। सो अनलिशिंग दिस सेफ इन यू, मैं पहले ही बता दिया हूं कि जो डीएक्सएन से करते हैं प्यार वो डीएक्सएन के राइस ब्रांड से कभी नहीं कर सकते हैं इनकार। आई राइस ब्रांड ऑयल ऑफ डीएक्सएन, इसका एन नंबर ऑफ रीजंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा और क्यों लेना चाहिए। तो पहली बात कि इसे क्यों लेने से पहले थोड़ा सा बैक हम चलते हैं और मार्केट में अवेलेबल ऑयल्स के बारे में जानकारी आपको देना चाहेंगे। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी की हम बात करते हैं, और ये अक्सर हर डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि अनहेल्दी होता है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, सीवीडी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है वो थोड़ा सा आपको ससेप्टेबल होता है इसको होने से। तो ये क्यों अनहेल्दी होता है? क्योंकि इसके अंदर में दो प्रकार का एसिड पाया जाता है, दैट इज यूरोसिक एसिड, यूरोसिक एसिड जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल को हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। सेकेंड आता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इज गुड फॉर हेल्थ बट अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑल्सो हैविंग सम इंपोर्टेंट पॉइंट लैकिंग, दैट इज इसके अंदर में कुछ खामियां होती है, यानी कि इसके अंदर में आपको स्मोकिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर भी खामियां हैं। कुछ बात करते हैं ग्राउंड नट ऑयल, जो मूंगफली का तेल हम कहते हैं, वो भी मार्केट से हम लोग लेते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसके अंदर में जो एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर का सुरक्षा करता
कवच जिसे कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के दौरान जो तेल का एक्सट्रैक्शन होता है, ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होता है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के द्वारा, उस पीरियड में जो फ्री रेडिकल्स निकलती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे शरीर के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और तेल के माध्यम से जब हम लेते हैं तो वो हमारे लिए और भी बेहतरीन होता है, क्योंकि तेल में अगर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा प्रचुर है, दैट इज गुड हेल्दी ऑयल, और जहां पर कमी पाई जाती है तो इसी वहीं पे हम कहते हैं ये अनहेल्दी ऑयल है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उसमें से ग्राउंड नट ऑयल की बात करते हैं तो इनके अंदर में भी प्रचुर मात्रा में, जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड चाहिए उतना मात्रा में, एंटीऑक्सीडेंट नहीं पाया जाता है। तो फिर बात करते हैं राइस ब्रैन ऑयल डीएक्सएन का, जो आप सभी के बीच में लेकर के आए हो, इसकी क्या खासियत है, इससे क्यों लेना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइस ब्रैन ऑयल, इसकी जो खासियत है, इसके अंदर में हाई स्मोकिंग पॉइंट है। क्या है? हाई स्मोकिंग पॉइंट्स, और ये आपको लगभग 250 डिग्री से ऊपर होता है। कितना? 250 डिग्री से ऊपर होता है, और इसकी जो फायरिंग पॉइंट होती है ये लगभग 350 डिग्री, 355 डिग्री होती है। इसीलिए ये तेल अगर हाई हीट पे भी, आप देखे होंगे पिछले स्लाइड में लिखा था कि हाई हीट पे भी आप इंजॉय कर सकते हो, दैट मींस कि यहां पर आपका जो हीटिंग प्रोसेस बहुत देर तक आप जलता भी है ये तेल, तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट एंड फायरिंग पॉइंट ये दोनों बहुत हाई होता है। नेक्स्ट, इसके अंदर में पाया जाता है हमारे स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच। क्या पाया जाता है आपको? ओमेगा 3 पाया जाता है। इसके कारण ये हमारे हार्ट के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये गामा ओराइजिनॉल, टोकोफेरॉल्स एंड टोकोट्राइनॉल्स, ये तीनों न्यूट्रासिटिकल्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और खास करके गामा ओराइजिनॉल्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि गामा ओराइजिनॉल्स में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर में जितने भी कचरे होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो टोटल लेकर के एक तरह से फ्री रेडिकल्स बनाता है, और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम हमारा एंटीऑक्सीडेंट करता है, और गामा ओरिजिनल्स के अंदर में प्रचुर मात्रा में ये एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और इसीलिए जो डीएक्सएन की राइस ब्रैन ऑयल है वो बेहतरीन ऑयल है। साथ ही साथ इसके अंदर में टोकोफेरॉल्स पाया जाता है, जिसे विटामिन ई भी कहते हैं, हमारे त्वचा के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये खास करके जापान या मलेशिया या फिर इंडिया, एशियन कंट्रीज जो भी है उसमें आप देखेंगे प्रचुर मात्रा में, थाईलैंड प्रचुर मात्रा में यूज होता है। एंड आई वुड लाइक टू पॉइंट हियर कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। किसका? लार्जेस्ट वेजिटेबल ऑयल्स इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास क्यों इतने सारे जो है ना सो लोग इसके प्रति जागरूक है राइस ब्रैन ऑयल के बारे में। और राइस ब्रैन ऑयल और रिफाइंड ऑयल दोनों में क्या अंतर है? फिजिकली रिफाइंड ऑयल, ये सब सारी चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट है क्यूलिनरी एक्सीलेंस। ऑफ कोर्स कुकिंग में बेहतरीन टेस्ट ऐड करता है राइस ब्रैन ऑयल्स। प्लांट बेस्ड फाइटोएस्टेरॉल्स, ये फाइटोएस्टेरॉल्स जो होते हैं ये एक तरह का गुड एस्टेरॉल्स होते हैं जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है। ये फाइटोएस्टेरॉल्स जो होते हैं ना, ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर के अंदर में होता है, जो जिसे कहते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपिड्स, उसको रिड्यूस करता है एंड एसडीएल को प्रमोट करता है। तो ये प्लांट बेस्ड एस्टेरॉल्स जो है वो हमारे फाइटोएस्टेरॉल्स वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको हम सुरक्षा कवच कहते हैं हार्ट का। क्यों कहते हैं? एक पॉइंट और मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि राइस ब्रैन ऑयल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ओराइजिनॉल। आप जब कभी भी मार्केट में राइस ब्रैन ऑयल देखते हो तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि इस राइस ब्रैन ऑयल में कितना ओराइजिनॉल है। दोस्तों आप अपना अपना बोतल उठाइए और यहां पर देखिए कि यहां पे आपको ओराइजिनॉल जो है हमारा गामा ओराइजिनॉल 15,000 ppm, दैट मींस 15,000 पार्ट्स पर मिलियन, ये ओराइजिनॉल्स है जो हमारी पीयर कंपनी जो इंडिया में उसे कहीं ज्यादा है। बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ हम आप लोगों के लिए आए हैं, जहां कि आप अपने आप को मार्केट में बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यहां पर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की कंटेंट्स, गामा ओराइजिनॉल्स एंड विटामिन की बात हमने कर लिया। अब आता फैटी एसिड्स,
ये जो समागम है ये है बैलेंस फैटी एसिड्स का, अ मिक्स ऑफ मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसके अंदर में जो पाया जाता है वो हम आपको खास करके बता दूं कि ये तीन फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेचुरेटेड फैटी एसिड्स SFA, दूसरा होता है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जिसे मूफा कहते हैं ऑयल्स के टर्म में, वेजिटेबल्स ऑयल्स के टर्म में, और एक और होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा ये हाईली रिकमेंडेड है। और इसमें जो आपका इस तीनों का सेचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, इस तीनों का जो रेशियो, बैलेंस रेशियो होनी चाहिए एक हेल्दी एडिबल ऑयल्स के लिए वो है 24:42:34, जो एग्जैक्टली इंडियन पैमाना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसको फॉलो कर रही है, जहां से हम आपको उपलब्ध करवाए हैं। तो ये हमारी जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जहां से हम राइस ब्रैन ऑयल आप तक पहुंचा रहे हैं, ये 100% ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का भी ये रिकमेंडेशन है। वर्सेटाइल यूजेस, परफेक्ट फॉर फ्राइंग, बैकिंग, मतलब डिफरेंट तरीके से ड्रेसिंग फॉर दी फूड्स, एवरी वेयर यू कैन यूज राइस ब्रैन ऑयल, वेदर आप चिकन बना रहे हो, मटन बना रहे हो, आप सब्जी बना रहे हो, या आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो, एवरी वेयर फॉर फ्राइंग और ड्राइंग, एनी वेयर यू कैन यूज योर राइस ब्रैन ऑयल। इनहांसेस द फूड टेस्ट विदाउट ओवर पावरिंग, अनलाइक सम ऑयल्स विद द स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स। इसका बहुत लाइट फ्लेवर्स है और बहुत सूदिंग इम्पैक्ट आपके आपके फूड की जो ड्रेसिंग करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये अ जर्नी फ्रॉम फील्ड्स टू किचन। ऑफकोर्स हर कोई ये चीज देखता है कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स है इसकी क्या खासियत है। तो सबसे पहले सपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबल फार्मिंग, हम जब राइस ब्रैन ऑयल की बात करते हैं तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहां 70% जो हमारा इकोनॉमीज है वो कृषि के ऊपर डिपेंड करता है, और वहां हम फार्मर्स को भी सपोर्ट करते हैं। अगर राइस ब्रैन ऑयल, यूजुअली पहले क्या देखा जाता था कि राइस ब्रैन ऑयल का जो ब्राउन ब्रैन है वो ब्रांड जो है यूजुअली कैटल फीड्स के लिए यूज होता था, बट नाउ वी आर यूजिंग इट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल फॉर एवरी रेसिपी, वर्सेटाइल इन कुकिंग। आप कोई भी खाना इस राइस ब्रैन ऑयल से बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो है ना खास करके एब्जॉर्प्टिव पावर जो है बहुत कम है, 20% लगभग, अप्रॉक्सीमेट 20% ये कम एब्जॉर्ब करता है ऑयल्स। और गामा ओरिजिनल्स का एक और खासियत मैं बता दूं कि क्यों राइस ब्रैन ऑयल आपके किचन में यूज करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर में जो गामा ओरिजिनल्स होता है उसका एक और खासियत होता है कि वो हमारे गट्स में एब्जॉर्ब नहीं होता है। ओके, तो जब गट्स में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा, ये एलडीएल को प्रमोट्स नहीं करता है, लो डेंसिटी लिपिड को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और एसडीएल को क्या करता है, प्रमोट करता है हाई डेंसिटी, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल्स भी कहते हैं। ये कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड कंप्लायंसेस, हम लोग क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह की ऑयल्स आती है, इसीलिए हमारे पास कंप्लायंसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के द्वारा भी रिकमेंडेड है, और हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है 100% ये आपको यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी नॉर्म्स जो है, जो मिनिमम उसका क्रिटेरिया है उसको 100% फॉलो करती है, इसीलिए हम इसके अंदर में जो भी गुणवत्ता है वो 100% हमारे स्वास्थ्य के लिए यूजफुल है, और हाई क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ही इस राइस ब्रैन ऑयल को आप तक लाया गया है। फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड विटामिन, जैसा कि हम सभी समझते हैं कि दुनिया बहुत रंगीन है और हमें आंख हेल्दी हेल्दी आईज रखना है, आईज की हेल्थ को बहुत बारीकता से केयर करना चाहिए, इसके लिए इसके अंदर में विटामिन ए भी है। हमारी बोन्स बोन्स में जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है, आपको बोन में धीरे धीरे छिद्र हो जाता है, वीक पड़ जाता है, तो उस केस में ये राइस ब्रैन ऑयल बहुत अच्छा काम करेगा। और ये ओरिजिनल्स जो इसके अंदर में गामा ओरिजिनल्स जो पाया जाता है, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर में
जो फ्री रेडिकल्स है उसको भी न्यूट्रलाइज करता है, साथ ही साथ इसके अंदर में जो बैड फैट होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको भी ये फ्री रखता है, न्यूट्रलाइज करता है, जो एलडीएल है उसको भी लो डाउन करता है, लोअर डाउन करता है, कमिटेड टू योर वेलबींग्स एंड प्रिजर्वेटिव फ्री, इसमें किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस डिमांड फॉर द हाई हीट वर्सेटाइल ऑयल्स, यानी कि आप इसको हाई हीट पे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वर्सेटाइल ऑयल्स है, किसी भी तरह से कहीं पर भी किसी भी खाना में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिक क्वालिटीज है राइस ब्रैन ऑयल का, जो हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इको फ्रेंडली होता है और की मार्केट डिफरेंशिएटर जो हमने आपको बताया, साथ ही साथ इसको आइडियल फॉर ए मार्केट कॉन्शियस ऑफ हेल्थ एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो है इसके अंदर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, और ये क्यूलिनरी मार्केट जो होती है, कुकिंग मार्केट्स, उसके लिए भी हम एक बेहतरीन तरीके से इसको पोजीशन मार्केट में कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अ शिफ्ट टुवर्ड्स द हेल्दियर कुकिंग ऑयल।